जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में मेरी चर्चा रहने वाली है कि आने वाले 84 डेज के अंदर यानी 84 दिनों के अंदर शुक्र देव का राशि परिवर्तन दो राशियों के अंदर हो रहा है। सिंह राशि, सिंह से कर्क में जाना, वक्री होकर जाना, वक्री होकर वापस लौट कर आना, मार्गी होकर फिर से सिंह राशि में जाना, यानी 6 जुलाई से लेके 1 अक्टूबर तक का सफ़र, लगभग 84 दिन का ये समय आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के लिए परम मित्र तो ग्रह है ही है। और इतना भी कहा जाता है कि जब शुक्र की पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि बनती है तो अकेला शुक्र राजयोगकारी फल देने वाला ग्रह भी बनता है, यानी मित्र भी है, त्रिकोणेश भी है, पंचम में उसकी मूल त्रिकोण राशि भी पड़ती है। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि शुक्र ग्रह 6 जुलाई को राशि परिवर्तन करते हैं और राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट हो जाता है। अब शुक्र को तीसरा घर प्रिय है। अगर नॉर्मल तौर पर कहो कि आपकी राशि से तीसरे घर में शुक्र आ रहा है तो आपका ध्यान सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, कला, नृत्य, शौक आदि के प्रति आकर्षण आपका बढ़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस है प्रतिभाओं का। आपका ध्यान घूमने फिरने की तरफ जाएगा, आपका ध्यान अपने शौक पूरे करने की तरफ जाएगा, आपका ध्यान जीवन में लग्जरी प्राप्त करने के लिए आने वाले समय में बढ़ने वाला। 6 जुलाई को होता है शुक्र का राशि परिवर्तन और शुक्र आते हैं सिंह राशि के अंदर। राशि से तीसरे घर में आता है शुक्र। ये वही शुक्र है जो 12वें घर का मालिक भी है। अगर 12वें का मालिक तीसरे घर में ट्रांजिट करे तो कार्य क्षेत्र के लिए या शिक्षा के लिए या किसी भी काम के लिए यात्राएं होंगी। अब कोई 10 साल का बच्चा है, वो परिवार के साथ घूमने के लिए निकल गया है तो यात्रा हो गई। कोई 20 साल का बच्चा है, पढ़ाई के लिए यात्रा कर ली। और कोई 25 साल का, 30 साल का बच्चा है तो वो निकल गया अपनी एजुकेशन के लिए या अपनी नौकरी के लिए। और कोई व्यापारी है तो वो व्यापार के लिए। यानी 12वें घर का मालिक अगर तीसरे घर में बैठता है तो इस दौरान टूर ट्रैवलिंग यात्रा बढ़ सकती हैं, उन यात्राओं से फ़ायदा मिल सकता है, उन यात्रा का कोई भी योग हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या व्यापार के लिए हो सकता है। वो शुक्र ग्रह तीसरे घर में ट्रांजिट करता है। अब 12वें का मालिक तीसरे में तो बहुत बार लोगों के ट्रांसफर ऑर्डर निकल जाते हैं, या इच्छा हो मन में कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, मेरा परिवर्तन हो जाए, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि 6 जुलाई से 23 जुलाई तक तो शुक्र यहीं है, फिर वो शुक्र वक्री हो जाएगा, 7 अगस्त तक यहीं रहेगा। यानी 30 डेज आपके पास ऐसे हैं, यदि आप किसी भी तरीके का परिवर्तन अपनी पढ़ाई, अपने प्रोफेशनल लाइफ या नौकरी या व्यापार में स्थान परिवर्तन या तबादला या ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो आपको इस दौरान ट्राई करना चाहिए। ये ग्रह आपको सहयोग करेगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ शुक्र की बात कर रहे हैं। इस शुक्र को इस दौरान सहयोग मिलता है दो ग्रहों का, कि नवम भाव जिसको लक्ष्मी भाव कहते हैं वो शुक्र यहाँ को दृष्टि देता है। ये शुक्र पंचम का मालिक, यानी पंचम और नवम का दृष्टिगत संबंध बन गया। यानी अगर यात्राएं होंगी, ट्रांसफर्स होंगे तो उसमें धन बढ़ेगा, उसमें लाभ बढ़ेगा। एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करना, जीवन में आगे बढ़ना भी इन्हीं योगों से संभव दिखाई देता है। यानी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें शनि से भी मिल गई। बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ कर्मेश होकर है, इसका मतलब कर्म भाव का स्वामी भी इस दौरान आपको सहयोग कर रहा है कि आप आगे बढ़ो, मैं कर्म का स्वामी हूँ, मैं आपको सहयोग करूँगा, मैं धन का कारक हूँ बृहस्पति, मैं आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार बैठा हूँ। यानी ये एक और पॉजिटिविटी, ये एक और पॉजिटिव वाइब्रेशन हमको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे गई है। अब आती है 7 अगस्त की बारी, कि 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री होकर उल्टी चाल चलते हुए दूसरे घर में आएंगे। अब इसको समझिए कि 7 अगस्त को पहुँचे कर्क में, 4 सितंबर को वक्री से मार्गी होंगे, फिर 1 अक्टूबर को यहाँ से निकल जाएंगे। एक ऐसा प्लेनेट जिसको ये पता ही नहीं कि तुम्हें यहाँ कितने दिन रुकना है, गए वक्री हुए, मार्गी हुए, फिर वापस आ गए, तो ऐसे ग्रह को अतिचारी भी कहा जाता है। अब इसका प्रभाव क्या है, 12वें का मालिक अगर दूसरे घर में चले तो फाइनेंस को संभाल कर रखो,
पैसे को संभाल के रखो। इस दौरान बिना वजह की बातों पे, बिना वजह के खर्चों पे, फिजूल की यात्राओं पे आपका पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि वो 12वें का मालिक होके धन स्थान में गया हुआ। इसलिए पैसे से संबंधित लेन देन सोच विचार कर करने हैं, फाइनेंशियली डिसीजन सोच विचार के इस दौरान आपको करने हैं। शुभ ग्रह शुक्र का धन भाव में जाना औसत रूप से काम करता है। साधन जैसे जीवन में धन के बने हुए वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन जब वो वक्री और मार्गी हो तो ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी क्या है, जुड़ा हुआ पैसा भी किसी ना किसी रूप से ठिकाने लगा दिया, बाद में अफसोस कर रहे हैं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं वैसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, ये नहीं चलेगा। अब वो फिफ्थ लॉर्ड भी है, पंचम भाव का मालिक दूसरे घर में है, ये कहने को तो धनी हो गए कि मैंने अपनी विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, योजनाओं से, तर्क शक्ति से धन बनाने का प्रयास किया, मुझे मेरा पैसा मिल गया। अब पंचम भाव बुद्धि है, बुद्धि का मालिक धन भाव में वक्री हो तो मन में लोभ लालच नहीं आना चाहिए। एक बार पैसा कमा लिया ठीक है, अच्छी बात है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको प्लेनेट थोड़े समय के लिए आपके जीवन में आया, उसने आपको पैसा दिया, आपका काम हो गया। लेकिन जब पंचमेश वक्री होता है तब व्यक्ति क्या करता है, अपनी बुद्धि को ज्यादा चलाता है, कोई उसको समझा भी रहा है ना तो उसकी बात वो सुनता नहीं है, फिर क्या करता है, अपनी बुद्धि को चलाता है, अपने ज्ञान को चलाता है, तब जाकर उसको ये लगता है कि तुमने यहाँ गलती कर दी। उस गलती से आपको बचना है, ये फिफ्थ हाउस है, सबसे पहले बुद्धि है, तो लोभ लालच में और स्वार्थ में नहीं पड़ना है, औसत रूप से काम करना है, धन के संकेत बनेंगे, धन अच्छा मिलेगा। पंचम का मालिक वक्री है, एजुकेशनली सब ठीक रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा, मैं तो ब्रिलियंट हूँ, मेरी तो पकड़ बहुत अच्छी है, मैं तो एक बार जो चीज़ देख लूँ और मेरे साथ सब कुछ बढ़िया हो जाता है, ऐसे करते हैं लोग बाग एजुकेशन में। और जब वो प्लेनेट वक्री हो जाता है ना इस तरीके की पोजिशन में, तो व्यक्ति क्या होता है, अपनी ही नुकसान का स्वयं कारण बन जाता है, क्योंकि वो उस चीज को समझ ही नहीं पाता है कि आज वो प्लेनेट वक्री होके पीछे गया, फिर वक्री से वो मार्गी हुआ, फिर वापस चल रहा है, यानी जहां से चला था वहीं पे वापस आएगा। लेकिन इन 84 डेज के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका एकमात्र कारण होगा आपकी बुद्धि, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, पैसे से संबंधित लेन देन को लेकर हो, आपकी लव लाइफ को लेकर हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, क्योंकि ये फिफ्थ लॉर्ड है, ये कहता है भाई आराम से काम करते रहोगे तो मैं धन भावों में बैठा हुआ हूँ, तुम्हें पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हें फाइनेंशियली अच्छा करूंगा, गेन करूंगा। जब जब तुम ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करोगे तब तब तुमको प्रॉब्लम भी होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र अकेले ही राजयोगकारी फल देने में सक्षम होते हैं, लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना ज्ञान बटोरते हैं, कितनी समझदारी से चलते हैं और कितने हद तक उस ग्रह को समझते हैं, क्योंकि जो ग्रह को समझेगा ना उसको कोई जरूरत नहीं है, आप समझोगे नहीं, उससे डरोगे ज़्यादा तो आप पर वो हावी होगा और फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि मिथुन राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव शुक्र के वक्री और मार्गी बनेगा। जय श्री राम।